तो काफी समय बाद कुछ अच्छी चीज हमें देखने को मिली है फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड दैट इज IC 814 द कांधार हाईजैक, जो कि कहा जाता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा बेकार हाईजैक था, जो कि हुआ था 1999 के अंदर। एंड इसी चीज को इन डिटेल एंड काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का काम करा गया है इस शो के अंदर बाय डायरेक्टर अनुभव सिन्हा। सीरीज की बेसिक कहानी यही है कि इसके अंदर एक प्लेन हाईजैक हो जाता है 1999 के अंदर, जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट लैंडेड अप इन कांधार। अब इस बीच के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, पैसेंजर्स के ऊपर क्या क्या चीजें बीतती हैं, इन्हीं चीजों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दर्शाया गया है इस शो के अंदर। शो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भाई ये सिर्फ एक सीजन के अंदर कंक्लूड कर दिया गया है, तो हाँ इसके आगे कोई भी सीजन हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं थैंकफुली, एंड तुम्हें एक अच्छा खासा क्लोजर मिल जाएगा इसे देखने के बाद। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये काफी ज्यादा स्लो बर्न शो है, जो कि अनुभव सिन्हा की मतलब मूवीज के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि वो चीजों को धीरे धीरे करके अनफोल्ड करना चालू करते हैं, जिससे पर्सनली मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये वाला जो स्टाइल है ये काफी ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीजें टर्न आउट हुई थी आई थिंक इसे अच्छा खासा टाइम देना जरूरी भी था, लाइक सब्जेक्ट मैटर की एक्चुअली में डिमांड थी कि इसे इस तरीके से प्रेजेंट करा जाए। जिसके बाद इसके अंदर का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई वो काफी ज्यादा रॉक सॉलिड हमें देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी प्लेसमेंट भी करी गई है। एडिशनली इसकी कलर ग्रेडिंग मेरे को शुरुआत में थोड़ी बहुत ऑफ सी लग रही थी, लेकिन भाई धीरे धीरे करके आई गॉट यूज्ड टू इट। बाकी इसके अंदर जो थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा शानदार है। एडिशनली जो पैनिक सिचुएशन ये लोग कॉन्स्टेंटली बना के रखते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। प्लस इन्होंने किसी भी चीज को होल्ड बैक नहीं कराया, लाइक उनकी जो ब्रुटैलिटी थी उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। बट हाँ कुछ जगह तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मतलब इनके तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर करने की कोशिश करी जा रही है, जिसे तुम अपने एंड के ऊपर देख सकते हो। बट हाँ ओवरऑल इसे मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट करने का काम करा है। अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिसके लिए भाई एक्चुअली में शो की तारीफ बनती है, जो कि इसके अंदर के एक्ट्रेस, लाइक परफेक्ट कास्टिंग, स्टार्टिंग ऑफ विद विजय वर्मा। लाइक भाई एज अ कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा शानदार होती है, जिस तरीके से वो चीजों को हैंडल करते हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा हमें काफी समय बाद नशीरुद्दीन शाह भी देखने को मिलते हैं, उनका काम भी काफी ज्यादा शानदार था। एडिशनली कुमोद मिश्रा भी देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी है। प्लस हमारे सीआईडी वाले अभिजीत भी देखने को मिलते हैं, उनका काम भी काफी ज्यादा अच्छा था। एंड हाँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पंकज कपूर जो है वो अपने एक्चुअली प्लेग्राउंड के ऊपर वापस आए हैं, एंड कह सकते हैं कि भाई उन्होंने भी मतलब चार चांद लगा दिए हैं इसके परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट के ऊपर। ऑल्सो हम इसके अंदर अरविंद स्वामी भी देखने को मिलते हैं, उनका काम भी काफी ज्यादा शानदार था। एंड हाँ देवेंदु भट्टाचार्य को भाई कैसे भूल सकते हैं, लाजवाब परफॉर्मेंस। ओवरऑल भाई कास्टिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करी गई है, स्टोरी लाइन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, जो माहौल है उसे बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से बनाया गया है। एंड मैं कह सकता हूँ कि इस घटना को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से शो के अंदर दर्शाया गया है। लॉन्ग कट शॉर्ट इट इज इम्प्रेसिव एंड मिनिमलिस्टिक एट द सेम पॉइंट। आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। एंड हाँ बाकी यही था मेरा ओपिनियन के रिगार्डिंग, आप क्या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड टिल देन बाय।